रतलाम निवासी एक महिला ने श्यामगढ़ में पदस्थ पुलिस आरक्षक मनोज सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। आरक्षक ने शादी का झांसा देकर महिला का शारीरिक शोषण किया। यही नहीं, महिला का आरोप है कि आरक्षक के भाई आरक्षक नीरज सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास भी किया। महिला ने एसपी को आवेदन देकर इस संबंध में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। मामले में पीड़िता ने बताया कि मनोज सिंह से उसकी पहचान फेसबुक से हुई थी। 2 साल पहले उसने अपने भाई नीरज सिंह के घर महिला को बुलाया, उसके बाद वो कहीं चला गया। महिला का आरोप है इस दौरान नीरज सिंह ने दुष्कर्म का प्रयास किया। बाद में दोनों भाइयों ने माफी मांगी। इसके बाद लगातार मनोज सिंह शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता रहा। डीआईजी से शिकायत के बाद आरक्षक ने 26 जून को कोर्ट बुलाकर शादी का शपथ पत्र बनवाया और महिला को कोर्ट में छोड़कर चला गया। महिला ने आरक्षक पर मारपीट और धमकाने का आरोप भी लगाया। वहीं महिला ने तंग आकर 9 सितंबर को खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। वहीं अस्पताल पहुंचकर मनोज सिंह ने उसके खिलाफ बयान नहीं देने की बात कहकर उसे धमकाया। एक आरक्षक के 715 आरक्षक मनोज सिंह और एक 714 आरक्षक नीरज सिंह। नीरज सिंह ने 2017 में मेरे साथ रेप करने की कोशिश करी और उसको बचाने के लिए मनोज सिंह ने मुझे बोला कि मैं आपसे शादी कर लूँगा। और ऐसा करके मनोज सिंह 4 साल से मेरे निवास रतलाम आके मेरे साथ बलात्कार और शोषण करते रहे। और जब मैंने 29 मई को उनसे कहा कि उन्होंने मेरे से बातचीत बंद कर दी, मैंने कहा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो उन्होंने गाली गलौज करके मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो मैंने पीड़ितों के डीआईजी साहब को आवेदन दिया और एक मंसूर एसपी सर को दिया। जब उस पर डीआईजी साहब ने उसको रतलाम बुला के डांटा तो वो रतलाम आके 26 जून को शादी का शपथ पत्र बना लिया और मेरे साथ धोखाधड़ी करके मुझे वहीं छोड़कर चला गया। हाँ, ऐसा उसने अपने ज्ञापन में और आवेदन में ऐसा बताया है। तो एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिया, एसपी साहब तो विधिवत जाँच होगी, एडॉप्ट द प्रोसीजर के अनुसार सब कुछ जाँच होने के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट या जो भी कुछ नियम में आता हो जो है पुलिस कार्रवाई चालू और प्रारंभ हो जाएगी। आवेदन देने के बाद सारी जांच के बाद सभी कुछ विधिवत विधि विधान के अनुसार कार्रवाई हो सकती है।